आशिकां दा हाल वेख जग दी चाल वेख कदे कदे जांदियां मैं हार लोकां तो लुका के रखी। तो हेलो गाइस वेलकम। तो शुरू में जो तुम स्टेटस वीडियो देखा ना, तो तुम भी बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल पर कैनवा स्टोर को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। इसके बाद तुमको क्रिएट न्यू पर टच कर देना होगा एंड इसके बाद तुमको 9:16 रेशो टच कर देना होगा एंड इसके बाद तुमको नीचे क्रिएट ऑप्शन पर टच कर देना होगा एंड इसके बाद तुम्हारे मोबाइल कुछ बड़ा साइज में आएगा एंड इसके बाद तुमको क्या करना, सबसे पहले तुमको यहाँ पर एक इमेज ले लेना होगा। तो मैं इस इमेज को यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ब्लैक कलर का इमेज में ले लिया। इसके बाद तुमको इसको जितना सेकंड की तुम वीडियो को बनाओगे तो उतना सेकंड को इस ड्यूरेशन को ले लेना। तो 12 सेकंड की मैं लिया हूँ, तो तुम कितना भी लो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ एंड इसके बाद तुमको लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद तुमको एक फ़ोटो ले लेना अच्छी सा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो या फिर किसी का भी फ़ोटो तुम ले लेना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो मैं एक फ़ोटो यहाँ पर ले लिया हूँ। फ़ोटो लेने के बाद तुमको क्या करना है, फ़ोटो लेने के बाद तुमको फ़ोटो का भी ड्यूरेशन तुमको जो पहले ब्लैक कलर लिया इसको पूरा तक कर देना एंड इसके बाद तुमको फिर से लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद तुमको यहाँ पर जो टेम्पलेट में यहाँ पर देंगे, तुम दोनों टेम्पलेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इस टेम्पलेट को ओपन किया एंड इसके बाद तुमको क्या करना है, फिर से यहाँ पर टच कर देना। इसके बाद तुमको स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर देना, ओके। इसके बाद तुमको यहाँ पर जो दिखाई देंगे वॉल ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देना, ओके। इसके बाद तुमको क्या करना, थोड़ा सा आगे लाना है वीडियो को, देख सकते हो कुछ उतना तक तुमको लाना है। लाने के बाद इसके बाद तुमको यहाँ पर ढूंढना होगा क्रोमा की, ठीक है। इसके बाद तुमको वो वाला ऑप्शन को अनेबल जैसे करोगे ना तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, तो वही में शुरू नहीं है। तुमको यहाँ पर जो एक कलर दिखाई देंगे इस कलर पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद तुमको यहाँ पर ग्रीन कलर तक लाना है। लाने के बाद इसको राइट कर देना एंड इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे तुम्हारे जो नीचे वाला फ़ोटो दिखाई देंगे ना, तो यहाँ पर तुमको एडजस्टमेंट दिखाई देंगे, तो तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ पर अच्छे से दिखाई देंगे ना, यहाँ पर तुमको यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने उतना तक 52 पर में रखा हूँ। इसके बाद तुमको क्या करना, इसका साउंड म्यूट कर देना, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारे लिरिक्स का साउंड नहीं आएगा। तो मैं इसको म्यूट कर दिया एंड इसके बाद तुम्हारे जो वीडियो कुछ ऐसे दिखाई देंगे ना, तो तुमको क्या करना है, फ़ोटो पर टच कर देना एंड इसके बाद थोड़ा आगे लाना है। लाने के बाद तुमको फ़ोटो को क्या करना, तुम्हारे दोनों फिंगर से फुल स्क्रीन कर देना, कुछ ऐसे फुल स्क्रीन कर देना। तो शुरू में कुछ ऐसे तुम्हारे फ़ोटो दिखाई देंगे जैसे कि तुम यहाँ पर देख लो। तो मैं और भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो कुछ उतना तक मैंने जूम कर दिया। जूम करने के बाद इसके बाद तुमको फिर से लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना और दूसरा और एक टेम्पलेट को यहाँ पर एडिट करने होगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको भी एडिट कर दिया। करने के बाद फिर से क्लिक कर देना। करने के बाद तुमको फिर से ढूंढना होगा ब्लेंडिंग, ओके। इसके बाद तुमको ढूंढना होगा स्क्रीन पर क्लिक कर देना, ओके। इसके बाद बैक आ जाना है। आने के बाद तुमको फिर से स्प्लिट स्क्रीन पर जाके इसको फुल स्क्रीन कर देना, जैसे करोगे ना तो बैक आ जाना है। आने के बाद मिक्सर पर जाके इसका साउंड को म्यूट कर देना, देख सकते हो मैंने साउंड को म्यूट कर दिया। यहाँ पर साउंड को जैसे म्यूट करोगे देख सकते हो, साउंड को म्यूट करने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक सॉन्ग लगाना होगा, तो सॉन्ग को तुम्हारे मन पसंदीदा सॉन्ग तुम यूट्यूब से कहीं से भी डाउनलोड करके यहाँ पर डाल सकते हो। जो मैं शुरू में जो सॉन्ग यहाँ पर मैंने लगाया, इस सॉन्ग को तुम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इसके बाद यहाँ पर काम ख़त्म। इसके बाद तुम्हारे काम इस वीडियो को सेव करना होगा। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए तुमको यहाँ पर दिखाई देंगे एक बटन, इस पर क्लिक कर देना होगा। देन इसके बाद तुमको यहाँ पर दिखाई देंगे 1080 पर रखोगे तो फुल HD में दिखाई देंगे, 720 पर रखोगे तो थोड़ा हल्का आएगा, दिखाई में अच्छे नहीं दिखाई देंगे। तो मैं 1080 पर ही रखना है और 7 AG वीडियो पर जैसे क्लिक करोगे ना तो तुम्हारे वीडियो बन के रेडी हो जाएंगे और तुम्हारे गैलरी पर जाके दिखाई देंगे, देख सकते हो। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।